तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोल बोर्ड है और ये कंट्रोल बटन्स हैं हमारे नॉचिंग के कंट्रोल के लिए। ये सारे बटन्स जो हैं ये नॉचिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये कंट्रोल स्क्रीन है, इसमें जो भी चीज़ें हम डेटा डालते हैं वो दिखती है यहाँ पे, और प्रोग्राम जो भी है वहाँ सेलेक्ट करने के बाद इस बटन्स को यूज़ करके, और उसके बाद हम जो है इस को घुमाते हैं, इस रोल को घुमाते हैं। ये हमारा आर्बर है और ये आर्बर भी सर्कुलर मोशन में घूमती है, और उस पर जो टूल लगा है वो हमारे पास में जो है वो कटिंग बनाता है, काटता है और नॉच बनाता है। वो पास में भी सर्कुलर मोशन करके वो टूल से मेटल कटिंग होती है और वो कटिंग से हमारा नॉच जो है ना उस पास पे बनता है। और यहाँ से कूलिंग फ्लूड जो है वो कूलेंट जो है वो हमारे आर्बर पे आर्बर के टूल के पास गिरता है, और उससे क्या रहता है टूल हमारा ठंडा रहता है। और ये देखिए हमारा टूल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। और यहाँ से जो है हमारा कूलिंग फ्लूइड जो है वो हमारे टूल पे गिरता है और टूल को ठंडा रखता है। ये देखिए हमारा आर्बर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो इस पास में नॉच डेवलप करेगा। ये रहा हमारा कंट्रोल मॉनिटर, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारे टूल की स्पीड पोजीशनिंग सब बदल रही है। और ये है जी कोड और एम कोड, और जी कोड और एम कोड की वजह से जो है ना हमारा घूमने का काम और बाकी पोजिशनिंग का काम, बाकी डेप्थ देने का काम, सारा काम जो है ना यहीं पर डिस्प्ले होता है कि कैसे कैसे हो रहा है। देखिए अब हमारे पास में नॉच दिखना शुरू हो गया है।
ये देखिए हमारा नॉचिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद हमारा पास जो है वो ऐसा दिखता है। और ये है स्टील बार, और स्टील बार जो है इस नॉचिंग के द्वारा जब रोलिंग होती है तो हमारी ऐसी स्टील बार बनती है। और ये जो डेप्थ हम देख रहे हैं नॉच के अंदर, नॉच जो है डेप्थ है, वो डेप्थ जो है इसके बार के ऊपर ऊपर उभर के आती है। और वो जो है ना रिब, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रिब, वो हमें इस नॉचिंग के हेल्प से ही प्राप्त हो पाती है।